वाले को मौका दे दिया, जब अपियरिंग वालों को मौका दे दिया, तो सीटेट जो होने वाला है जुलाई में आपका एग्जाम, उस एग्जाम के जो छात्र एग्जाम देने वाले हैं उनको मौका क्यों नहीं, क्योंकि बन रहे हैं उनके लिए। ये चक्षु पब्लिकेशन का बुक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ट बुक है, आप इस पुस्तक के जरिए जो अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। ये एक स्टडी गाइड बुक है, यहाँ से आप जो है टॉपिक पढ़ सकते हैं, टॉपिक के साथ साथ वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं वो पढ़ सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ पे एमसीक्यूज भी लगा सकते हैं इस पुस्तक से। यही नहीं, आपको हिंदी और अंग्रेजी भाषा को लेकर भी दो पुस्तकें यहाँ पे दी गई है। अब आपको ये पुस्तक खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके इसको क्लिक करके आसान से घर बैठे अपने मंगा सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए कहीं भी आपको इस एग्जाम के लिए, इस पूरी परीक्षा के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, खुद आप एक शिक्षक बनने की तैयारी में है, सीटेट जैसे स्टेट जैसे एग्जाम आप दे रहे हैं, तो आपको बाहर जाकर तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है इस परीक्षा को लेकर, घर बैठे तैयारी कीजिए। एग्जाम पैटर्न मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं, किस तरह का सिलेबस है वो भी बताया है। कंप्यूटर साइंस के ऊपर मैं एक सिलेबस वीडियो लेकर अलग से आऊंगा, जिसमें कि आपको बताऊंगा कि उसका क्वालिफिकेशन सिलेबस क्या है और कैसे कैसे आप लोगों को उसमें पढ़ना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में, और रुक करते हैं बिहार की तरफ। हम बात करेंगे बिहार की उस बहाली की प्रक्रिया के बारे में जो कि सातवें चरण की ये प्रक्रिया है, इसमें शिक्षक बहाली को लेकर, जो कि कौन कंडक्ट करा रहा है इस बार, बीपीएससी कंडक्ट करा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि बिहार में ऐसी स्थिति होती है कि ये जो बहाली की प्रक्रिया निकाली जाती है 170,000 की, जो कि अपने आप में किसी भी राज्य के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, और ये कहें तो एक कचड़ा है। कैसा है कचड़ा? ये 5 साल से कोई बहाली की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए है ना, बिहार में शिक्षकों के लिए कोई बहाली की प्रक्रिया नहीं निकाली जाती है। छठे चरण की भी जो प्रक्रिया हुई थी, जो कि लगातार 3 साल तक नियोजन की प्रक्रिया कभी चल रही है, कभी बंद हो रही है, कभी चल रही है, उसका कोई नियमावली नहीं तैयार था ढंग से कि उनकी रिक्रूटमेंट ली जाए। अब सातवें चरण की प्रक्रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। ये 170,000 बहाली जो है कचड़ा है, जो कि साल दर साल का बहाली एक साथ लिया जा रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है कि आप हर साल छात्र पास हो रहे हैं, ग्रेजुएशन हो रहे हैं, कुछ लोग बीएड भी कर रहे हैं, हर साल कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेकर आगे वो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए बहाली की प्रक्रिया सामने नहीं है। उनको मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, पहला सवाल तो आप ही लोगों से है, और आयोग से भी ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि उन लोगों को मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जो कि एसटीईटी 2019 की बात करते हैं पहले हम, है ना, जो कि यहाँ पे एसटीईटी 19 के बाद उन्होंने अपना बीएड कंप्लीट किया है 2020 में, 2021 में, 2022 में और 2023 में। अब इन 4 सालों में, 5 सालों में उनने अपना बीएड कंप्लीट किया होगा, है ना। ये कक्षा 11 से 12 के लिए वैकेंसी निकाली जाती है बिहार में, जहां पे आपका एसटीईटी एक पात्रता एग्जाम है, इस एग्जाम को देते हैं तो आप 11, 12 के टीचर बनते हैं। लेकिन ये 5 साल में सिर्फ एक एग्जाम लिया गया, वो भी पेपर लीक करवा के, और वो भी उसके बाद जो है जब पेपर का रिजल्ट दिया गया तो उसमें करीब करीब बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, लाखों छात्र हैं जो कि सिलेक्ट होते हैं। अब इनका ज्वाइनिंग का टाइम आता है, चूंकि ये कहा गया था कि ये बहाली की प्रक्रिया जो है लगभग 32,000 के आसपास की वैकेंसी है, जिसके लिए हम लोग जो एग्जाम लिए हैं एसटीईटी 2019, इसमें आप लोगों को डायरेक्ट रिक्रूट किया जाएगा, ये नियोजन की प्रक्रिया में नहीं शामिल किया जाएगा, ये आपका सीधी बहाली है, एग्जाम दिए हैं आप, कंपटीटिव एग्जाम है, आप पास होंगे आपका यहाँ पर हो जाएगा, टीचर बन जाएंगे। लेकिन 2020 वाले छात्र इंतजार करते हैं कि अगले साल भी एसटीईटी लिया जाएगा, 21 वाले इंतजार करते हैं, 22 वाले भी इंतजार करते हैं। 2 साल तो यहाँ पे चलिए कोविड का बहाना है आप लोगों के पास कि कोविड आया था उस दौरान हम लोगों ने ये प्रक्रिया नहीं करा, लेकिन 2022-23 वाले छात्र कहां जाएंगे? यहां भी लाखों अभ्यर्थी जो है अपना बीएड कंप्लीट किए होंगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट किए होंगे, और ऐसा तो है नहीं कि 20-21 वाले जो छात्र हैं ग्रेजुएट नहीं हुए होंगे। तो अब ये 4 साल का 5 साल का ग्रेजुएट छात्र कहां जाएगा, जो कि एलिजिबल हो सकता था अगर आप लगातार 2019 के बाद एसटीईटी परीक्षा लेते हैं, फिर बीपीएससी का तो जरूरत ही नहीं पड़ता, जो कि बीपीएससी अब एंट्री मारी है। अब बीपीएससी आगे कहता है कि हमारा अलग रूल है, यहां पे जो भी छात्रों के पास एसटीईटी 2019 की पात्रता है वो इस एग्जाम में बैठ सकता है। तो ये लोग तो एग्जाम दिए नहीं है 2020-21-22-23 वाले, तो ये कैसे अप्लाई करेंगे? तो यहां से तो एक खोखली भर्ती का आगाज हो गया, ये खोखली बहाली है, कौन भरेगा भाई, जब 4 साल 5 साल के छात्र ही इसमें एलिजिबल नहीं है। दूसरी अपडेट यहां पे मैं उनके लिए अपील उठा रहा हूं, देखिए, जो कि सीटेट जुलाई 2023 देने वाले हैं, ये वो छात्र हैं। अब इनको कहा जाता है कि वैकेंसी आती है 170,000, छात्रों को बोला जाता है कि देखिए जो लोग बीएड अपियरिंग है वो छात्र यहां पे आवेदन कर सकता है,
इस जो है कक्षा 9 से 10 के लिए है ना, क्लास मैं लिख देता हूं यहां पे 9 टू 10 के लिए है ना, और साथ में क्लास 1 टू 5 के लिए। तो अब प्राथमिकी विद्यालय में लाखों ऐसा छात्र हैं जो कि सीटेट करके बैठे हुए हैं, मतलब सीटेट क्वालिफाइड है, उन्होंने बीएड भी कर रखा है, और यहां पे आपने बीएड वालों को अपियरिंग वाले को मौका दे दिया। जब अपियरिंग वालों को मौका दे दिया तो सीटेट जो होने वाला है जुलाई में आपका एग्जाम, उस एग्जाम के जो छात्र एग्जाम देने वाले हैं उनको मौका क्यों नहीं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र आपको यहाँ पे लाखों छात्र मिल सकते हैं जिनका की बीएड कंप्लीट होगा और वो सीटेट जुलाई नहीं दे पाए हैं, या फिर उससे पहले वाला दिए हैं तो उनका नहीं क्लियर हुआ होगा, उसके बाद यहाँ पे ये एग्जाम देंगे। अगर वो क्लियर होते हैं तो जाहिर सी बात है जिनका क्लियर होगा वो आवेदन करेगा, जिनका नहीं होगा वो फेल हो जाएगा। यहां से आपको छात्र मिल सकते थे, आपने बीएड को अपियरिंग को यहाँ पे बोल दिया कि आप आवेदन करो, ये बीएड अपियरिंग वाला भी आपका यहाँ पे जान खाएगा आगे चलकर, क्योंकि बीएड अपियरिंग जो कर रहा है हो सकता है कि उसका सीटेट क्लियर ही ना हो। ऐसे भी तो है कि बहुत सारे लोग यही पे रह जाएंगे, क्योंकि ये तो एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, आपने खुद ट्वीट करके सारा चीज क्लियर किया है क्वालिफिकेशन और आपका एलिजिबिलिटी को लेकर है ना। तो आप जो है यहाँ पे बीएड अपियरिंग वालों को मौका जब दे रहे हैं तो इनको भी मौका देना चाहिए था। सरकार से और आयोग से विनम्र निवेदन है कि इनको मौका दिया जाए और इनके संज्ञान में कुछ रखा जाए, क्योंकि ये 5 साल वाले जो अभ्यर्थी हैं जो एसटीईटी नहीं दिए हैं 5 साल, उनका क्या, उनके लिए क्या अपडेट है, उनको कैसे यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिलेगा। ये बहाली की प्रक्रिया 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया है, जो कि यहाँ पे पिछले कई सालों से छात्र, मैं कहूं तो अगर 2014 के बाद या 15 के बाद जो है छात्र इंतजार कर रहे थे इस बड़ी बहाली का, लेकिन आप करीब 10 साल से अगर देखा जाए तो इसमें बहाली की प्रक्रिया लिए नहीं। 6वें चरण की बहाली की प्रक्रिया का नियामरी अलग था, वहां पे भी अगर मैं देखूं और अगर डेटा उठाकर देखा जाए तो वहां पे भी मात्र 20 से 25 हजार ही शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, लेकिन ये 1,70,000 वैकेंसी है। यहाँ पे आयोग को आगे आकर संज्ञान लेना चाहिए कि इस बहाली की प्रक्रिया में जो है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके छात्र और क्वालिटी छात्र यहाँ पे आ सके, जिनके अंदर क्वालिटी है, जो एग्जाम देकर आ रहे हैं, जो पढ़कर आ रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए यहाँ पर। यही छात्र से और छात्रों की तरफ से सरकार से और आयोग से हमारा विनती है। इन सब वाले को मौका दे दिया, जब अपियरिंग वालों को मौका दे दिया तो सीटेट जो होने वाला है जुलाई में आपका एग्जाम, उस एग्जाम के जो छात्र एग्जाम देने वाले हैं उनको मौका क्यों नहीं? क्योंकि